दोस्तों, अगर आप अनार की बागवानी कर रहे हैं या बागवानी करना चाहते हैं इन फ्यूचर, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। अनार में जो ब्लैक ब्लैक स्पॉट बन जाते हैं, किसकी वजह से बनते हैं, कैसे शुरुआती स्टेज में पहचान कर सकते हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या है, प्राइमरी स्टेज में ट्रीटमेंट क्या करें जिससे कि शुरुआती स्टेज में इसे कंट्रोल कर लें, सावधानियाँ क्या होती हैं, डिटेल से आज की वीडियो में डिस्कस करूँगी। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, लेकिन उससे पहले अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन है उससे भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट आप तक फटाफट पहुंचते रहें। दोस्तों, जो ब्लैक स्पॉट बनते हैं दो मुख्य डिजीज की वजह से बनते हैं, फंगल डिजीज है कोलेटोट्राइकम और दूसरा है सर्कसपोरा। दोनों की पहचान कैसे कर सकते हैं? सर्कसपोरा की वजह से अनार में बीच में आप देखिए छोटे छोटे स्पॉट बन जाते हैं फ्लोरिंग से जब फल बनते हैं, और मौसम अगर सही नहीं है, प्रॉपर धूप नहीं आ रही है, बार बार बारिश आ रही है या फिर बादल बन रहे हैं, तो शुरुआती स्टेज में ही छोटे छोटे से स्पॉट बन जाएंगे अनार में। ये आप ध्यान रखें कि सर्कसपोरा की वजह से अनार के बीच में बनते हैं या फिर साइड में कहीं भी बन जाते हैं छोटे छोटे, और फिर धीरे धीरे बहुत ही जल्दी ये बड़े स्पॉट बन जाते हैं। और कोलेटोट्रिकम की वजह से बनते हैं, अनार जहाँ से टहनी से जुड़ा हुआ होता है उसके बैक साइड में जो अनार में छोटा सा फ्लावर्स होता है वहाँ पे देखिए कि एक छोटा सा स्पॉट बनता है, सिंगल वन या टू स्पॉट बनेंगे बिल्कुल छोटे छोटे से, और उसी टाइम कंट्रोल कर लिया तो ठीक है, अदरवाइज ये बहुत ही जल्दी पूरे अनार में फैल जाता है। और अगर कंट्रोल भी कर लेते हैं लेकिन थोड़ा बड़ा स्पॉट हो गया तो वहाँ से ये छिलका ड्राई हो जाएगा और जब भी अनार की साइज बनेगी तो अनार फट जाएगा। तो ये इसके बड़े ही नुकसान होते हैं हमारे अनार की फसलों में। अब इनकी ट्रीटमेंट के लिए जब आपने पहचान कर ली है, और अगर नहीं भी है तो भी जब मौसम सही नहीं है, बादल बन रहे हैं, लगातार बारिश आ रही है, तो इनके लिए बार बार हमें प्रिवेंटिव फंगिसाइड यूज करने होते हैं। और बेस्ट फंगिसाइड जो हमने लाइव देखे हैं हमारे फसलों में कि किन किन के बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं, वो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। जो ये मैं फंगिसाइड बता रही हूँ इनको चेंज कर करके बार बार रिपीट करना है, एक ही एक फंगिसाइड को यूज नहीं करना है, नहीं तो कोई डिजीज या कोई भी फंगस कंट्रोल नहीं होगी, वो इनकी आदि हो जाती हैं, तो चेंज कर करके यूज करना है। प्रिवेंटिव करें या फिर जब सिम्टम देख लें शुरुआती स्टेज में तब यूज कर लें। इनके लिए बेस्ट फंगिसाइड है फॉलिक्योर, ट्यूबेकेना जोल आता है उसमें 25.9% इसी फॉर्म में यह आता है। यह सिस्टेमिक ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंगिसाइड है, फंगस जनित एक ही नहीं बहुत सारे डिजीज को कंट्रोल करता है, जिसका डिटेल वीडियो मेरा ऑलरेडी है चैनल पर, वो भी आप देख सकते हैं, नहीं तो मैं आपको डोज इसी में बता रही हूँ। फॉलिक्योर फंगिसाइड की परफेक्ट डोज है 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से घोल तैयार करके और फिर अपनी फसलों में स्प्रे करना है। और दूसरा जो बहुत ही अच्छा फंगिसाइड है वो है स्वाधीन फंगिसाइड, कॉन्टैक्ट प्लस सिस्टेमिक फंगिसाइड आता है, इसमें आता है ट्यूबेकेनाजोल 10% और सल्फर आता है 65% WG फॉर्म में आता है, और इसकी डोज है 1 g प्रति लीटर के हिसाब से घोल तैयार करके और फिर अपनी फसल में स्प्रे करना है। और नेक्स्ट जो थर्ड फंगिसाइड है वो है बाविस्टिन फंगिसाइड, जिसमें आता है कार्बेंडाजिम 50% WP फॉर्म में आता है, और ये सिस्टमिक फंगिसाइड है, इसकी डोज है 2 g प्रति लीटर के हिसाब से घोल तैयार करके और फिर स्प्रे करना है। फोर्थ फंगिसाइड है रोको फंगिसाइड, जो कि वो भी सिस्टमिक फंगिसाइड है, और थायफेनेट मिथाइल आता है 70% WP फॉर्म में आता है। रोको फंगिसाइड की डोज रहेगी 1 से 1.5 g, यानी अगर डिजीज आ चुकी हैं आपकी फसलों में तो फिर 1.5 g यूज कर लेना, और अगर प्रिवेंटिव यूज करें तो 1 g प्रति लीटर के हिसाब से घोल तैयार करके और फिर स्प्रे करना है। नेक्स्ट फंगिसाइड है एंट्राकोल, एंट्राकोल भी बहुत अच्छा फंगिसाइड आता है, सिस्टमिक प्लस कॉन्टैक्ट फंगिसाइड है, जिसकी डोज है 2 g प्रति लीटर के हिसाब से घोल तैयार करना है। कॉनिका फंगिसाइड, अगर जब फल पकने की स्टेज में हो तब बैक्टीरियल ब्लाइट की भी बहुत ज़्यादा समस्या आती है, तो उस टाइम यूज करें कॉनिका फंगिसाइड। कासुकामाइसिन आता है उसमें 5% और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड आता है 45%, क्योंकि ये बैक्टीरिया साइड भी है कॉनिका, और इसकी डोज है 1.5 g प्रति लीटर के हिसाब से घोल तैयार करके और फिर अपनी फसलों में स्प्रे करना है।
और नेक्स्ट जो सबसे अच्छा फंगिसाइड है वो है नेटिव फंगिसाइड, जिसमें आता है ट्यूबेकिनाजोल 50% और ट्राइफ्लोक्सिस्ट्रोबिन 25% WG फॉर्म में आता है, जिसकी डोज रहेगी 1 ग्राम प्रति 2 लीटर के हिसाब से घोल तैयार करके स्प्रे करना है। यह भी सिस्टेमिक ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंगिसाइड है। अगर आप फ्लोरिंग स्टेज में यूज कर रहे हैं तो नेटिव फंगिसाइड का यूज करना, बहुत ही अच्छा असर देखने को मिलता है। सिस्टेमिक प्लस कॉन्टैक्ट फंगिसाइड आता है अवॉन्शर ग्लो फंगिसाइड, UPL का आता है, जिसमें आता है एजॉक्सिस्ट्रोबिन 8.3% और मैनकोजेब आता है 66.7 WDG फॉर्म में आता है। कॉन्टैक्ट प्लस सिस्टेमिक यह फंगिसाइड है और इसकी डोज रहेगी 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल तैयार करना है और फिर स्प्रे करना है। इन फंगिसाइड जो मैंने बताए हैं, इनमें से अगर आप चेंज कर करके बार बार यूज करेंगे, जितना इनका ड्यूरेशन होता है, या फिर जब भी मौसम ख़राब होता है, बारिश वगैरह हो रही है, तो दोस्तों कॉन्टैक्ट फंगिसाइड का असर नहीं हो पाता है। तो या तो हमें सिस्टमिक फंगिसाइड यूज करना होता है या फिर सिस्टमिक प्लस कॉन्टैक्ट फंगिसाइड यूज करना होता है, जो बहुत ही इफ़ेक्टिव फंगिसाइड हो। तो जो मैंने हम यूज करते हैं और जिनका रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिलता है, वो मैंने आप लोगों से शेयर किए हैं, इनमें से आप यूज करें। अब बात आती है कि पहले से सावधानी क्या क्या रखें, या फिर डिजीज आ चुकी है तो सावधानी के तौर पे हमें क्या करना चाहिए। ये डिजीज अगर आपकी फसलों में आ चुकी हैं, स्पॉट वाले अनार हैं, तो उनको तोड़ करके कहीं दूर गड्ढा खोद करके उसमें दबा दें एक जगह पे। इनको प्लॉट में जगह जगह तोड़ करके फेंके ना, क्योंकि ये डिजीज ऐसी है, फंगस जनित डिजीज है, तो एक से दूसरे प्लांट पे फैलने में टाइम नहीं लगता, बहुत ही जल्दी पूरे प्लॉट में फैल जाती है। तो इसका बचाव का सबसे अच्छा तरीका ये है। दूसरा प्रिवेंटिव हमें सावधानी रखनी चाहिए कि अगर ये एक बार आपके प्लॉट में किसी भी प्लांट पे आई है, तो फिर उसकी कटिंग करते समय जब भी उसके कटर यूज करें, उसको वॉश करके ही फिर दूसरे प्लांट्स पे उस कटर का यूज करना चाहिए। इस पे सेपरेट हमें अलग से ही कटिंग करनी चाहिए और इसकी जो टहनियाँ हैं, इसकी पत्तियाँ हैं, उनको हमें दूर फेंकना चाहिए। जो खुला पानी चलाते हैं कि एक नाली से बना लेते हैं और एक प्लांट से दूसरे प्लांट की तरफ बह के पानी चलता रहता है, तो वैसा भी ना करें, ड्रिप सिस्टम यूज करें सबसे बेस्ट रिजल्ट के लिए। फंगस को अगर कंट्रोल करना है तो बहुत ही अच्छा तरीका है कि ड्रिप सिस्टम यूज करें। फोर्थ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जिसे हम अक्सर अवॉइड कर देते हैं, फ्लोरिंग स्टेज से पहले ही हमारे प्लॉट में येलो और जो ब्लू ट्रेप आते हैं उनको लगाना चाहिए। अक्सर मैं आप लोगों से बार बार हर वीडियो में शेयर करती हूँ, जब भी ये चीज़ें आती है, कि ब्लू और येलो ट्रिप हमेशा अपने प्लॉट में लगा के रखें, अगर आप बागवानी करते हैं किसी भी फसल की, तो क्योंकि फंगस जनित डिजीज हैं, उनसे मच्छर एक से दूसरे प्लांट पे फैलाते हैं। दोस्तों अनार पे मैं जो भी डिजीज आते हैं उन पे कंप्लीट सीरीज लेके आऊँगी, एक एक डिजीज का डिटेल से मैं इसी तरीके से वीडियो बनाऊँगी। तो वीडियो अगर आप अनार की फसल कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए, ताकि मेरे लेटेस्ट अपडेट आप तक फटाफट पहुँचते रहें। दोस्तों और भी कोई क्वेरी है, कोई भी आपका सवाल है, तो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में अपना सवाल पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा, जानकारी अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और भी किसान दोस्तों तक शेयर करें। धन्यवाद।